कहाँ जा रहे हैं जल्दी बोलो। हम लोगों की बहुत लंबी यात्रा करने वाले हैं। ये हमारे पति देव हैं। तोड़ रहे हैं नीम का दातून। इसका फल इस तरह से होता है नीम का। अच्छा नौधुआ क्या होता है? आज हम लोगों का प्लानिंग है वैक्सीन लगवाना है। चल रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, देखते हैं क्या होता है। असल लुक भी हमारा चेंज हो गया है कुछ इस तरह से, सही से। हेलो दोस्तों नमस्कार। इस समय हम हैं अपने मोहल्ले में और हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं और सेहत के लिए पता ही है बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग जाया करते हैं लेकिन ब्लॉग हर रोज़ इस तरह से बनाना अच्छा नहीं लगता, तो आज प्लानिंग था कि ब्लॉग बना लिया जाए, तो इसलिए इस तरह से वीडियो बनाया जा रहा। और एक हम लोगों की बहुत लंबी यात्रा करने वाले हैं इसलिए एक तैयारी भी चल रही है इस तरह पैदल चलने का, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो, तो इसी तरह से बने रहिए। अभी और भी दिखाते हैं। ये है हमारे साथ वर्मा जी और उनको तो जान ही रहे हैं रमाकांत जी। हाय। यहाँ पे हैं मुर्गी के बच्चे, रास्ते मिल गया, शायद आप लोग इनको जानते होंगे। बारिश की वजह से देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता कुछ इस तरह से हो गया है, बाइक से या साइकिल से जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अपने मोहल्ले से बाहर आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, चारों तरफ खुला खुला मैदान। और जो हम लोग की तैयारी है एक लंबी यात्रा की, बहुत मज़ा आने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यात्रा हम लोगों का बहुत लंबा होने वाला है। बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। कहाँ चलने वाले हैं कुछ थोड़ा सा कुछ ऐसे गेस दीजिए। उत्तराखंड की कई जगहों पे जाएंगे हम लोग, जैसे कि दार्जिलिंग हुआ। उत्तराखंड में कहाँ आएगा हमारा? अच्छा हाँ वहाँ जाना है जी। वैसे सही चीज़ तो है कि अभी आप लोगों को बताया नहीं जा रहा हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन चैनल पे बने रहे, कुछ इसी प्रकार की जगहों पे जाएंगे और पहाड़ी एरिया में जाने वाले हैं। यहाँ पे बहुत कचरा है। हम लोग आ गए इस समय पक्के रोड पे, देख सकते हैं, और अच्छा रोड है, यहाँ पे कचरा नहीं है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सुबह सुबह चापान पानी से टहल कर। अब जाने वाले हम लोग जैसे उत्तराखंड में ये हुआ, क्या कहते हैं, गैंगटॉक नहीं भाई, गैंगटॉक हम लोग गए थे, अरे नीलकंठ हुआ, ये हरिद्वार, फिर मनसा देवी, चंडी देवी, फिर वहाँ से जब आगे बढ़ेंगे चले जाएंगे हम लोग इसी तरह गुलमर्ग। तमाम गुलमर्ग का हमारा इधर गुलमर्ग उधर है, उधर है, उधर उधर। तो दोस्तों बता दें कि हमारे हैप्पी यात्रा टीम के सबसे पहले मेंबर हैं, जो कि स्टार्टिंग में वीडियो यूट्यूब पे है, उस वीडियो में हमारे साथ हैं ये प्रेम भाई, जब सिक्किम गए थे तब का। हाँ, और 2019 में कोरोना माहौल के पहले घर के सारे बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने। अमित की कहाँ जा रही है? तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जल्दी बोलो। कोचिंग जा रही हो? खाना वाना खाई हो कि नहीं? कुछ नहीं, नहीं खाई हो? चलो अच्छा ठीक है, चलो अभी आते हैं, जाओ। गिर जाएगा जी तुम्हारा। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग निकले हैं। फिलहाल आज हम लोग छठवां दिन है, छः दिन से इसी तरह से टहल रहे हैं। और इस साइड में आप देखेंगे इसको किसका पेड़ बोलेंगे, खजूर का पेड़, खजूर का पेड़ है। यहाँ से ताड़ी उतारते हैं और यहाँ पे वर्मा जी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और अभी हम लोग आगे से टहल करके आएंगे, फिर यहाँ खींचते हैं इस तरह से बीच। अरे चलिए महाराज उधर से आते हैं, पहले ही कर लेंगे तो अभी थक जाएंगे। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग टहल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, धूप बिल्कुल नहीं हुआ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पीछे देख सकते हैं धान की बैठाई करना है, दोस्तों यहाँ पे धान बैठाया जाएगा, इस वजह से पानी चलाया जा रहा है। और वर्मा जी आप तो एकदम पीछे ही रह रहे हैं, क्या बात है? पीछे नहीं रह रहे हैं, देख रहे थे कितना गजब लग रहा, अच्छा लग रहा पानी चलते हुए, मन तो कर रहा नहा लें। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और उनसे मिलिए, पिछले ब्लॉग वाले बलमुआ। ये हमारे पति देव हैं, आपने ये डायलॉग सुना होगा, और रास्ते में अभी मिल गए, यहीं पास ही में इनका घर है। और अभी हम चल रहे हैं आगे, वर्मा जी को अपने कंधे से उठाएँगे, नीम का दातून तोड़ेंगे, फिर दिखाते हैं आपको वो वाला वीडियो। चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल हैप्पी यात्रा को जरूर सब्सक्राइब करिए।
तो चलिए आगे मिलते हैं। और यहाँ पे इनका घर है पास ही में। हम लोग आ गए नीम के पेड़ के पास और यहाँ से दातून तोड़ेंगे और नीम का दातून करेंगे। देखिए यहाँ पे पेड़ है और फल भी लगा हुआ है। जाइए कंधे बैठाइए तभी तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। थोड़ा सा है ऊंचाई पे है। अच्छा सुधीर चढ़ने जा रहे हैं क्या? ओहो आज तो अच्छे अच्छे दातून मिलेगा। ये जो नीम का पेड़ है सुधीर का, हम लोगों को पता नहीं था। यहाँ पे हम लोग हर रोज दातून तोड़ते थे किसी न किसी टेक्निक से। कल तो एक ट्रैक्टर पे खड़े होकर के हम सब दातून तोड़े थे यहाँ से, और आज तो चल गए हैं पेड़ पे और पेड़ से तोड़ेंगे। पेड़ पे चढ़ने नहीं आता, चढ़ने आता है बट थोड़ी शरीर बड़ी हो गई है पहले से तो थोड़ा डर। यहाँ तोड़ रहे हैं नीम का दातून। वाह क्या बात है, आ गया मिल गया वर्मा जी को। गजब का ना, अच्छा प्रोडक्ट भाई है इसमें। हाँ इसका फल इस तरह से होता है नीम का। लीजिए और दातून के साथ साथ हम लोग दो तीन पत्ते भी खाते हैं। वर्मा जी को नौधुआ चाहिए। अच्छा नौधुआ क्या होता है? जो अभी अभी खिला और निकला हो उसी को कहा। अच्छा जैसा कि ये इसका पत्ता खाने से बहुत अच्छा लगता है और कड़वा तो लगता है लेकिन फायदेमंद। कल इनको पत्ता खिला दिए और लगे उल्टी करने, बच गए, किए नहीं उल्टी, होने होने वाला था। ये नीचे आ रहे हैं तोड़ करके दातून। क्या बात है, लीजिए। नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला है, ये वाला। ये पत्ता नहीं खाएंगे? पत्ता खाएंगे ना, पत्ता तोड़ के रखिए नरम, अभी दातून को पहले कूच लिया जाए उसके बाद। तो हम लोग यहाँ से निकल दिए दातून हाथ हाथ में लेकर के, सबके हाथ में और मुंह में है दातून। ये नीम का दातून है, नीम का दातून है और ये नेचुरली है, इससे दांत भी साफ हो जाएगा और दांत का दिमाग भी एक्सरसाइज भी हो जाएगा और पेट भी साफ होगा। अभी हम पत्ता लिए हैं ना उसको खाएंगे। बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, बहुत ही अच्छा होता है। हमेशा नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी तो कर ही लेना चाहिए। यहाँ पर रमाकांत लगे हुए हैं, इसके बाद नंबर आएगा वर्मा जी का। कितना हुआ? सेवन बहुत हो गया हमारा तो। टू हो ही नहीं रहा है। आप थके हुए हैं ना? अच्छा इसलिए हम लोग वापस आ गए यहाँ पे और यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज। चलिए वर्मा जी स्टार्ट हो जाइए, सब लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। उनसे ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, दर्द कर रहा है। यहाँ मॉल बनवाने वाले हैं, यहाँ प्लाट लेके एक बड़ा सा मॉल बनवाएंगे। क्या कह रहेगा मॉल, मॉल में व्यवस्था क्या? मॉल में सारे व्यवस्था रहेंगे, नीचे खाने पीने वाला ब्रेकर्स जैसे होता है, ऊपर बच्चों वाला कपड़ा, उसके ऊपर फिर बड़ों वाला कपड़ा, सब हम लोगों के लिए लाइफ रहेगा। नहीं हाँ सबके लिए एकदम रहेगा। वी मार्ट का कॉफी करेंगे नहीं उससे भी बेटर बनाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है। तो यहाँ पे होने वाला है वर्मा जी का मॉल, नाम भी ऐसे कुछ रखते हैं, वर्मा जी का मॉल। वर्मा जी का मॉल नहीं वर्मा। दोस्तों आ गए एकदम पूरी तरह से हम लोग अपने मोहल्ले में। वर्मा जी जा रहे हैं अपने घर, हमारा घर है इनका, वर्मा जी का घर यहाँ पे है। सामने वर्मा जी घर है और आगे हम लोगों का घर है। आज हम लोगों का प्लानिंग, आज हम लोगों का प्लानिंग है वैक्सीन लगवाना है। अच्छा अच्छा तो वीडियो में बने रहिए इसी तरह से, आज वैक्सीन लगवाते हैं हम लोग। चलिए वर्मा जी बाय बाय। दोस्तों हम लोग रेडी हो गए, नहा धो लिए, कुछ काम धाम भी कर लिए। अभी हो रहे हैं 12:30 और हम लोग चल रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो सुई से हमको डर लगता है तो क्या डर लगा ला? नहीं यही लगेगी, यहाँ पे लगेगा। चलिए तो थोड़ा सा लुक भी हमारा चेंज हो गया है कुछ इस तरह से,
और एक प्रॉब्लम है, हम कोई भी हेयर कलर लगाते हैं तो मेरे फफोले निकल जाते हैं, रिएक्शन कर जाता है, इस वजह से जल्दी लगाते नहीं हैं। इसका कोई उपाय हो तो ज़रूर बताएं। मार्केट की जितने भी डाई आती हैं एक एक करके हमने सारे डाई लगा करके चेक कर चुके हैं। तो हम लोग बैठ गए बाइक पे और निकल रहे हैं। मास्क हमारा ख़राब हो गया था, अभी मार्केट में न्यू मास्क लेंगे। हम लोग निकल गए हैं अपने स्टूडियो से, अब मार्केट की तरफ चल रहे हैं। बाइक चल रही है इसलिए आवाज़ नहीं जा रहा होगा सही से, तो म्यूजिक के साथ इंजॉय करिए रास्ते का सीन। दोस्तों मास्क ले लिए हैं और हॉस्पिटल पे पहुंचने ही वाले हैं। ये रहा हॉस्पिटल का गेट। दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल पे आ गए हैं लेकिन किसी कारणवश वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं, और क्या कारण है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और कहीं जाना है इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, हैप्पी यात्रा।